बड़ी सुंदर कथा आई हुई है। महाराज अज जी महाराज का जो है रोज का नियम था कि वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ अपनी पत्नी सहित सुंदर सत्संग करने के लिए जाया करते थे, क्योंकि बिना सत्संग के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कहा गया है बड़ी सुंदर बात है कि बिन से तुसंग विवेक न होए, बिन से तुसंग विवेक न होए, बिन से तुसंग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन संसे बिहग उड़ावन भारी। भगवान की कथा कैसी है? सुंदर। चाहे राम जी की कथा हो, चाहे कृष्ण जी की कथा हो, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष, और इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। बात बराबर है, अंतर कितना है? राम जी का अवतार जो है 12 कलाओं से हुआ है और कृष्ण जी का अवतार 16 कलाओं से हुआ है। राम जी मर्यादित थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो चाहे राम जी की कथा हो, चाहे कृष्ण जी की कथा हो, जब भी कथा सुनने के लिए जाओ, भगवान की कथा सुनने से होता क्या है, जो हमारे हृदय में संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ होता है वो हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाता। हर किसी को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, कथा होती रहती है, घर में बैठा रहेगा, कहता रहेगा जाना है जाना है, कथा सुनने जाना है, और ऐसे ही 7 दिन व्यतीत हो जाते लेकिन कथा नहीं सुन पाता। फिर बाद में जो है पछतावा होता है, बड़ी सुंदर कथा हो रही थी जा नहीं पाया। तो इसलिए भगवान की सुंदर कथा हो, कथा सुनने के लिए जाओ, अपने मन को सुंदर निर्मल मन बनाओ, पवित्र बनाओ, क्योंकि संसार में आने के बाद व्यक्ति जिस प्रकार के कर्मों को करेगा उसी के प्रकार उसको उसका फल मिलेगा। क्योंकि गीता में कहा गया है कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, और रामचरितमानस में लिख दिया कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करहे सो तस फल चाखा। इसलिए अपने मन को सुंदर निर्मल मन बनाओ, पवित्र मन बनाओ।
कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम चेन्मम कर्मणैवा विपद्यते। कर्म के करने से कोई नहीं बच पाया, क्योंकि राम जी आए उनको भी कर्म करना पड़ा, कृष्ण जी आए उनको भी कर्म करना पड़ा। तो जब भगवान जो है कर्म के चक्कर में पड़ गए, कर्मों को करना पड़ा, तो हम आप लोग तो जो है मनुष्य हैं, हम आप लोगों को तो करना पड़ेगा। इसलिए सुंदर अपने मन को निर्मल मन बनाओ, पवित्र मन बनाओ और सुंदर भगवान की कथा श्रवण करो। महाराज अज की पत्नी जो है वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ सुंदर सत्संग करने के लिए रोज जाया करते थे। और जब सत्संग करने के लिए जाया करते थे, वो जब सत्संग समाप्त होता था तो प्रतिदिन का नियम था महाराज अज का कि वशिष्ठ जी महाराज को एक सुंदर मोहर चढ़ाया करते थे आरती के समय। और मोहर को चढ़ा दिया करते थे, काफी दिन हो गए, काफी दिन चढ़ाते चढ़ाते हो गए। एक दिन महाराज अज ने सत्संग किया और मोहर को जैसे ही चढ़ाया और गुरुजी महाराज को जो है बड़ा क्रोध आया और उस मोहर को उठा करके फेंक दिया। कहा बस राजन, आप प्रतिदिन जो है जनता का जो धन है वह आकर के हमको आप समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, अगर आप अपने मेहनत की कमाई हमको चढ़ाएं तब आपका फल माना जाएगा। गुरुजी क्रोधित हो गए और ये बात बिल्कुल सत्य है। गुरु का मतलब होता क्या है? गु माने अंधकार, रू माने उजेला, जो अंधकार से उजेले की तरफ हम आप लोगों को ले जाए, सत्य के मार्ग पर हम आप लोगों को प्रदर्शित करे, वह सच्चा गुरु माना गया है। कभी भी ब्राह्मणों की वाणियों पे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, और राज धर्म तन तीन कर होय वेग ही नास। सचिव राजा का मंत्री अगर राजा से मीठी मीठी बात करता है तो समझ लो राजा के लिए खतरा है। वैद्य जी महाराज, मरीज बिस्तर पे पड़ा हुआ हो और मरीज कह रहा है कि हमको तो कढ़ी खानी है और डॉक्टर साहब कह दे हाँ खूब खाओ, तो मरीज मरेगा या जिएगा? बीमार होगा तो उसको कष्ट ही होगा। अगर ये समस्त जो है क्रोधित से बात कर रहे हैं और आपसे क्रोध से बोल रहे हैं तो आपको उसमें हित ही होगा, अनहित नहीं हो सकता। राजा अज ने जब गुरुजी महाराज ने वह मोहर को फेंक दिया तो मन में विचार करते हैं कि आज तो गुरुजी रुष्ट हो गए, अब तो गुरुजी को मेहनत की जो है कमाई देनी पड़ेगी। महाराज अज जो है उसी राज्य में जो है एक लोहार रहा करता था। रात्रि में अपनी वेशभूषा को बदला और लोहार के पास पहुंचे, कहा भैया हमको कुछ काम मिलेगा? कहा जी बिल्कुल। कहा कौन सा काम? कहा आपको पूरी रात जो है ये घन पीटना पड़ेगा। राजा अज ने स्वीकार कर लिया। पूरी रात महाराज अज ने जो है घन को पीटा और पीटते पीटते जो है हाथों में छाले पड़ गए। और जब सुबह जो है लोहार आया और उसने राजा अज को एक छोटी सी दस्सू दी, 10 पैसे। पहले दस्सू चला करती थी, दस्सू को दे दिया। दस्सू को लेकर के राजा अज दूसरे दिन जब सत्संग करने के लिए जाते हैं और गुरुजी महाराज से सत्संग किया और जब रोज मोहर को चढ़ाया करते थे, अब जो है आज 10 पैसे को चढ़ाया और गुरुजी ने देखा तो उठा करके फेंक दिया। कहा राजन, रोज मोहर को चढ़ाया करते थे, आज तुम यह 10 पैसे लेकर के आ गए हो? और दस्सू को फेंक दिया और दस्सू जो है एक खूटी पर जाकर के वहां पर रख जाती है, ठहर जाती है। चलने लगे तो मन में विचार करते हैं पति पत्नी कि गुरुजी तो नाराज हो गए लेकिन ये जो मेहनत की कमाई है यहाँ पर रह गई है, इसको भी साथ लिए चले।
और उस दस्यु के पास पहुंचते हैं। दस्यु एक खूंटी पे रखी हुई थी और जैसे ही उस दस्यु को महाराज अज ने हाथ लगाया तो वह खूंटी जो है दस्यु समेत नीचे की ओर चली जाती है। अब मन में विचार करते हैं कि मेहनत की कमाई है, रात्रि भर घन को पीटा है, जब यह 10 पैसे मिले हैं इसको व्यर्थ थोड़ी ना जाने दूंगा। और जब दस्यु नीचे चली गई तो खोदना प्रारंभ किया। खोदा, खोदते खोदते जब नीचे पहुंचे तो एक जो है तांबे का रथ निकलता है और उसी पर वह खूंटी रखी हुई है और वह 10 पैसे उसी पर रखे हुए हैं। रथ को निकाल करके रख दिया और पुनः जैसे ही खूंटी और दस्यु को हाथ लगाया तो वह पुनः जमीन के नीचे चली गई, अंदर की ओर पुनः चली गई। पुनः खोदा तो पीतल का रथ निकलता है। हर बार हाथ लगा रहे हैं और हर बार जो है नीचे की ओर जा रही है, ऐसे 9 बार जो है खुदाई की महाराज अज ने। और 9वीं बार जब, 10वीं बार जब खोदा और जब 10वीं बार जब खोदते हैं तो खोदते खोदते जब देखा तो अंत में जो है एक सोने का रथ निकला और सोने के रथ पर जो है एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है और उसी बालक के हाथ में वह दस्यु दबी हुई है। मन में विचार करते हैं कि गुरुजी ने कितना अच्छा संदेश दिया। इतने में गुरुजी महाराज आ गए, कहा राजन बस यही तुम्हारी मेहनत की जो है कमाई है जिसको मैं तुम्हें बताना चाहता था। अगर मैं आज इस दस्यु को नहीं फेंकता तो तुम खुदाई नहीं करते और तुम खुदाई नहीं करते तो तुमको यह पुत्र नहीं मिलता। कहा जाओ 10 रथों के निकलने के बाद यह पुत्र तुमको मिला है, इसलिए आज से इस पुत्र का नाम जो है 10 रथ होगा और उस पुत्र का नाम जो है 10 रथ रखा दिया। इसी श्रृंखला में आगे चल करके दशरथ जी महाराज को भी कोई संतान नहीं हुई, पुत्र तेष्ठि यज्ञ किया। अब यहाँ पर भगवान श्री राम के अवतरण के जो है अनेक कारण बताए गए हैं। जैसे भगवान श्री राम के अवतरण के अनेक कारण बाबा तुलसी ने लिख दिए, राम जन्म के हेतु अनेका। क्योंकि जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है, दुराचार होता है, तब भगवान को आना पड़ता है। जैसे गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृज्याम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे। ये तो गीता की बात रही, रामचरितमानस में क्या लिखा और कहा गया है कि जब जय बिहोए धर्म के हानि, जब जय बिहोए धर्म के हानि, जब जय बिहोए धर्म के हानि, जब जय बिहोए धर्म के हानि। पढ़े असोरे अधमे अभिमानी, पढ़े असोरे अधमे अभिमानी, तबे जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें सुर अधम अभिमानी, त
तबे तबे धरे प्रभु विविध शरीरा और हरे हैं कृपा निधि सज्जनों पीड़ा। और जब भगवान के भक्तों पर कोई कष्ट होता है तब भगवान को आना पड़ता है, इसीलिए बाबा ने लिखा है राम जन्म के हेतु अनेका। अब यहाँ पर जब महाराज दशरथ को पुत्र नहीं है तो पुत्र को पाने के लिए पुत्र तेष्ठी यज्ञ किया, और पुत्र तेष्ठी यज्ञ किया और उसमें से जो है खीर निकलती है वह आकर के राजा दशरथ को प्रदान की गई। खीर को बांटने जाने लगा, कौशल्या जी महारानी को दिया, महारानी सुमित्रा जी को दिया, और जब केकई जी महारानी को प्रदान कर रहे थे तो वहां पर एक जो है सांडिल मुनि के द्वारा एक अप्सरा थी जो चील बन चुकी थी, यहां पर उसी खीर से जो है भगवान श्री राम का अवतार हुआ और उसी खीर से जो है श्री हनुमंत लाल जी महाराज का अवतार हुआ। खीर को जब बांटा जा रहा था और यहां पर भगवान शंकर जो है माता अंजना को गुरु दीक्षा दे रहे थे, चील उड़ती हुई आई और जब महारानी केकई की जी को वह खीर दी जा रही थी तो वही खीर की दोनी उठा करके वह चील जो है ले जाती है और वह जाकर के माता अंजनी की कुटिया पर उसको रख दिया। माता अंजनी की कुटिया पर उस खीर की दोनी को रख दिया। यहाँ पर जो है भगवान शंकर ने गुरु दीक्षा दी और गुरु दीक्षा देने के बाद वही खीर की दोनी उठा करके प्रसाद के स्वरूप में माता अंजना को भगवान भोलेनाथ ने प्रदान कर दी। वहां पर तीनों रानियों ने उस खीर को खाया और यहाँ पर जो है माता अंजनी ने खीर को खाया तो वहां पर जो है भगवान श्री राम का अवतार और यहाँ पर श्री हनुमंत लाल जी महाराज का अवतार। शक्ति भक्ति मुक्ति ना होती धरा पर अगर अंजनी का ये लाला ना होता।